अच्छा जी, what we have done is, let's have a quick recap. हमने Visual Studio Code इंस्टॉल कर लिया. Visual Studio Code इंस्टॉल करने के बाद हमने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाया. आप किसी भी जगह बना सकते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डेस्कटॉप में, जहां पे, वट एवर एंड वेर एवर यू लाइक इट. आई मीन, सो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसे फोल्डर में रखूँ जहाँ से कोई डिलीट ना कर सके. ठीक है, सो मैंने अपनी ई ड्राइव में ये फोल्डर रखा वेब का. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट इसके अंदर है, उसकी वजह शायद वेब के नाम का ऑलरेडी कोई फोल्डर मौजूद था पहले, जिसके अंदर ये पहली चीज़ें पड़ी हुई हैं. ठीक है, सो लेट मी क्विकली गो टू द ई ड्राइव एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर विद अनदर नेम, बिकॉज वेब के नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, सो आई कैन क्लिक हेयर और आई कैन इवन क्लिक राइट ओवर हेयर इन द राइट. ठीक है, जहाँ भी आप चाहें. सो मैं इसे क्या चाहता हूँ जी, वेब डैश डेव. कोशिश करें कि फोल्डर नेम हमेशा क्या कर रखें, लोअर केस में रखें. कैपिटल भी रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं, कोई मस्ती नहीं करेगा, लेकिन फोल्डर नेम शुड ऑलवेज बी कैप्ट लोअर केस. ठीक है, सो अब मैं इसे राइट क्लिक करके ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूंगा. एंड नाउ दिस कम्स द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. ठीक है, समटाइम अक्सर ये होता है कि यहाँ पहली स्क्रीन वो स्टार्टअप स्क्रीन आ जाती है. तो अगर स्टार्टअप स्क्रीन आए तो आप उसे क्लोज कर दें. मैम, वी डोंट नीड एनी स्क्रीन इन द फर्स्ट इन द स्टार्टअप. ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइकन्स हैं. अब इन 7 को फिलहाल एक ही वक्त में एक्सप्लोर करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको जिससे वास्ता पढ़ना है वो पहला वाला है. तो आप इस पर हॉवर करें तो इसका नाम आ जाता है. इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा फाइल्स हैं तो आप उन फाइल्स को एक्सप्लोर करें या एक से दूसरी फाइल पे मूव करें तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं. जब हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा. गॉट इट? इस वक्त हमारे फोल्डर में कोई फाइल मौजूद नहीं है और कोई और फोल्डर मौजूद. तो मेरे फोल्डर का नाम क्या था, वेब डेव. यानी जिस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा वही फोल्डर यहाँ पे मुझे नजर आएगा, लेकिन ये फोल्डर खाली है, इसके अंदर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, मुझे पहली फाइल क्रिएट करनी है, बिकॉज वी आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, वी डोंट नो हाउ टू एक्चुअली डू एनीथिंग. तो यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है मुझे अपने एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर. अब मैं जो काम भी करूंगा वो कहाँ जाएगा, इसी फोल्डर के अंदर जाएगा. तो इट्स ऑलवेज गुड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर एवरी न्यू प्रोजेक्ट. मुझे यहाँ पे नया फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक कर सकता हूँ. न्यू फाइल बनानी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ. ठीक है, फाइल और फोल्डर में फर्क होता है. फोल्डर इज बेसिकली अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स. यानी एक फोल्डर आप अगर बनाते हैं तो एक लॉजिकल स्पेस होती है जिसपे आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर मुझे एक तरीका तो यहाँ राइट क्लिक करें तो न्यू फाइल बनाना चाहें वो बनाएं, न्यू फोल्डर बनाना चाहें वो बनाएं, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करना चाहें, एग्जिस्टिंग फोल्डर को फाइल एक्सप्लोरर में देखना चाहें, यानी ये फाइल एक्सप्लोरर होता है. तो आप ये भी काम कर सकते हैं. बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस आर नॉट सपोज्ड टू बी डिस्कस्ड हियर फॉर द वेरी फर्स्ट डे. तो मैं सिर्फ फाइल, अगर आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं. देखें, इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा है न्यू फाइल, और इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश कर देगा एक्सप्लोरर को, और इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कोलैप्स फोल्डर एंड एक्सप्लोरर. यानी अगर आपके पास एक फोल्डर का स्ट्रक्चर है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो उनको कोलैप्स या एक्सपेंड करना होगा तब आप इस पर क्लिक करेंगे. अभी इस पर क्लिक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो फोल्डर इनसाइड इट. ठीक है, आपने फोल्डर बना लिया और उस फोल्डर को एक्सप्लोरर में ओपन कर लिया. सबसे पहले आपने एक फाइल बनानी है. मैंने इस पर क्लिक किया और एक फाइल बनाई. इस फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अपना नाम देना इट्स नॉट अ सूटेबल थिंग. जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं जी चौधरी, आजी, गुलाम, खान, हकान, बासी साहब, तो मतलब वो सारे आप बिल्कुल हैं, अदब के लायक हैं, लेकिन यहाँ अपने नाम नहीं देने, ना मलक, राजा, चौधरी, कुछ भी नहीं देना. गॉट इट? सो आपने क्या देना, यहाँ पे कोशिश करें कि जो पहली फाइल होगी आप उसको क्या नाम दें, इंडेक्स. फाइल का नाम वैसे इंडेक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडेक्स इज सूटेबल एंड इट इज डिजायरेबल. लेकिन आप एक्सटेंशन हमेशा क्या देंगे, आपको पता है हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है. जैसे एमएस वर्ड की फाइल है तो आपने शायद पढ़ा होगा 9th-10th में कहीं .docx, docs उसकी एक्सटेंशन होती है. यानी फाइल का कोई भी नाम रखें उसकी एक्सटेंशन docs होती है. एक्सेल की फाइल .xlsx होती है. एग्जैक्टली, तो हम HTML का काम करने जा रहे हैं, बिकॉज तो हम क्या करेंगे .html या HTML. ठीक है,
तो HTML stands for Hyper Text Markup Language. जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनका जो डिजाइन होता है वो किस में बनता है हमारा, HTML लैंग्वेज में, ठीक है. तो HTML का डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट तब कंसिडर होगा जब आप इसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे, .html. इसके अलावा कुछ भी एक्सटेंशन रखेंगे तो आपका, अब जब मैं इसे सेव करता हूँ, मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सेव करके मैं मिनिमाइज करता हूँ और ई ड्राइव में जहाँ मैंने वेब डेव की फोल्ड डायरेक्टरी बनाई. अच्छा, जब मैं डायरेक्टरी बोलूँ ना तो मैं फोल्डर का ही नाम डायरेक्टरी होता है बेसिकली, ठीक है, डायरेक्टरी या फोल्डर एक ही चीज़ है. सो मैं वेब डेव के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे इंडेक्स नाम की फाइल बन गई और इसकी शक्ल ऑटोमेटिकली ब्राउजर जैसी होगी. अब मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर मे बी फायरफॉक्स हो या मोजिला हो या आई हो, तो आपकी शेप उस जैसी बन जाएगी डिपेंडिंग अपॉन जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, ठीक है. अब इसने ये ब्राउजर की शक्ल क्यों अडॉप्ट कर ली, ये इंडिकेशन है कि ये अब कहाँ पे ओपन होगी. HTML की फाइल्स आर ऑलवेज ओपन इन द वेब ब्राउजर, ठीक. जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये मेरा वेब ब्राउजर में ओपन होगी. तो कंग्रेचुलेशन, हमारी फर्स्ट वेबसाइट बन गई, ठीक है. मजा आया ना, नहीं है, पहली वेबसाइट बना दी है यार हमने. अच्छा, ब्लैंक है तो बन तो गई है ना, ब्लैंक है तो क्या हो गया, अब भरेंगे ना इसको, ठीक है. कुएं से पानी निकाल रहा हूँ तो पहले बाल्टी लानी पड़ती है ना, ऐसे ही है ना, बाल्टी लाएंगे तो भरेंगे बीच में. ओके, सो नाउ अब बात इन वाली है जी, हम इसमें कुछ लिखेंगे, कुछ भरेंगे भी इसको, ठीक है. मार्कअप लैंग्वेजेस या लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टैग्स, आपको पता है टैग्स क्या होते हैं. जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखे ना, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या चीज़ जरूरत होती है आपको, इंग्लिश के कीवर्ड्स या इंग्लिश की वोकैबुलरी. ऑब्वियसली जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो वोकैबुलरी वर्ड्स आपको पता होंगे तो तब आप बोलेंगे ना. तो आपको अगर वोकैबुलरी आती हो और ग्रामर ना आती हो तो अंग्रेजी बोल सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी आई गो टू स्कूल, तो इसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ, और मैं कहूँ गो टू हाई स्कूल. लव सारे ठीक बोले बट उनकी प्लेसमेंट और उनकी अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है. तो गो टू आई स्कूल या आई टू स्कूल गो, सो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, ड्रेस्टिकली आई मीन कोई ड्रावने किस्म का फिक्रा बन जाएगा जिसका कोई मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा. हालांकि वर्ड सारे ठीक हैं. तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें दो चीज़ों का आना या जानना इंपॉर्टेंट है. एक उसका, उसकी वोकैबुलरी यानी वो वर्ड्स, और दूसरा उन वर्ड्स की करेक्ट प्लेसमेंट या अरेंजमेंट जिसको हम ग्रामर कहते हैं अंग्रेजी की जुबान में. अगर इन दोनों चीजों में से एक भी मिस हो, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक. तो HTML के केस में हमें क्या चाहिए, टैग्स. टैग्स को आप अज्यूम कर सकते हैं कि दे आर लाइक वोकैबुलरी. हर लैंग्वेज की अपनी वोकैबुलरी होती है. आप पश्तो की वोकैबुलरी को अंग्रेजी में नहीं यूज कर सकते, अंग्रेजी वाली को पश्तो में नहीं यूज कर सकते ऑब्वियसली, अदरवाइज रिजल्ट आपको पता है क्या होना है. तो अब मैं जितने भी वर्ड, अच्छा टैग क्या होता है बेसिकली, मैं HTML में कोई भी चीज, ये जो एंगल ब्रैकेट्स है ना, इनको एंगल ब्रैकेट्स भी कह लें या इनको नहीं स्मॉलर नहीं लेस देन ग्रेटर देन कह लें, ठीक है, मोस्टली हम इन्हें एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं. कोई भी वर्ड इन एंगल ब्रैकेट्स में लिखा हो तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, ये एक टैग है. तो यानी टैग की निशानी क्या है, वो एंगल ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होगी, ठीक. जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ HTML, तो ये HTML का क्या हो गया, टैग हो गया. अच्छा, नॉर्मली टैग्स आर पेयर्ड, नॉर्मली नेसेसरीली नहीं, नॉर्मली का मतलब आमतौर पर टैग्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं. अब पेयर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग भी होता है, पेयर का मतलब ऐसे ही जुड़ा होता है. तो अगर मैं HTML लिखता हूँ तो इसका मतलब जो इसका क्लोजिंग टैग होगा वो भी क्या होगा, HTML ही होगा, विद वन डिफरेंस. And that difference is, I will start it with this slash. So, जहाँ भी कोई भी tag name लिखा हो, उसके साथ start में slash हो तो उसका मतलब ये closing tag है. और जिसके साथ slash ना हो उसका मतलब ये क्या है? Opening tag है. बन गया पेयर. तो हमारा जो first root tag होता है ना किसी भी HTML document का, वो क्या होता है? HTML होता है. Got it? I mean, you can open any website and you can check. I mean, let's suppose a YouTube. YouTube की वेबसाइट मैंने ओपन की और इसको मैंने कंट्रोल यू किया, इसका भी जो पहला टैग होगा दैट इज गोइंग टू बी इन HTML. कैन यू सी दिस, ठीक. तो इसका मतलब ये होगा कि एनी वेबसाइट दैट इज गोइंग टू मींस अपीयर, दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इन अ वेब ब्राउजर, दैट इज गोइंग टू हैव दिस रूट टैग HTML. एवरीथिंग एल्स
that is present in the website that comes inside these tags. Inside का मतलब opening and closing tags के दरमियान में आएगा. The HTML के अंदर direct दो children होते हैं. अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा पेरेंट और चिल्ड्रन या पेरेंट चाइल्ड हायरार्की का. ये हायरार्की क्या होती है, वो शजरा नसब, यानी एक अबा जी थे फिर उनके दो बच्चे फिर आगे उनके दो बच्चे, ये यूं ही ब्रांच या ट्री आगे फैलता जाता है. सो एचटीएमएल डू हैव डायरेक्ट टू चिल्ड्रन, उनमें एक है हेड और ऑब्वियसली हेड का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और दूसरा क्या है बॉडी टैग. मुझे पता है मैं शुरू में थोड़ा सा स्लो हूँ, बट मैं इंटेंशनल स्लो हूँ. उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि मैं एटलीस्ट आपको मे बी ताकि जो दूसरे लोग ज्वाइन करने वाले हैं वो भी हमें पहुँच जाएँ और हम थोड़ा सा हमारा एक इंटरेक्शन भी और माहौल भी ऐसा बन जाए कि हम इसको जल्दी अच्छे से पिक कर पाएँ. सो HTML, अब मैं इसको पढ़ूंगा ऐसे जैसे आपने भी पढ़ना है इसके बाद हमेशा. HTML इज़ अ पेरेंट ऑफ दीज टू टैग्स. और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, मतलब आप देखें जो लोग कॉमन पेरेंट्स जिनके होते हैं वो आपस में क्या लगते हैं, सिबलिंग्स. अभी सुना है आपने, तो ये दो क्या हैं आपस में, सिबलिंग्स हैं. ठीक, तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, एचटीएमएल. तो हेड के चाइल्ड के चिल्ड्रन कितने हैं, एचटीएमएल के चिल्ड्रन कितने हैं, दो. हेड के कितने हैं, हेड का कोई भी नहीं है भाई, हेड अंदर खाली है देखो. बॉडी के कितने चिल्ड्रन है, खाली है ना. तो इसका मतलब यह है कि एक टैग के अंदर जो दूसरा टैग आएगा ना, तो अंदर वाला क्या कहलाएगा चाइल्ड और बाहर वाला क्या कहलाएगा पेरेंट. तो अगर आप HTML को देखें तो HTML में कितने टैग्स हैं, दो. तो दोनों क्या हुए, उसके चिल्ड्रन हुए, चिल्ड्रन हुए, चाइल्ड हुए. फर्क क्या है चिल्ड्रन और चाइल्ड में, हाँ चिल्ड्रन होता ही नहीं है, चिल्ड्रन होता ही नहीं है, बाय द वे चिल्ड्रन होता है और चाइल्ड होता है. एनीवे ठीक है. सो HTML के दो चिल्ड्रन है, हेड और बॉडी. हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं. और इनका पेरेंट कौन है, यही टर्मिनोलॉजी में इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ कि यही मैं बार बार चलूंगा. जो ही हमारे ये ट्री ग्रो करेगा ना, तो पेरेंट फिर उसके अंदर चिल्ड्रन फिर उनके चिल्ड्रन फिर उनके चिल्ड्रन, यानी इसी तरह एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स. एंसेस्टर्स किसको बोलते हैं, आप और आपसे ऊपर, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा वगैरह वगैरह, ये सारे क्या कहलाते हैं, एंसेस्टर्स. और डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, आपकी शादी होगी तो आपकी जो नस्ल आगे फैलेगी वो क्या होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे. ठीक है, समझ आ गई बात. अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ, आपने अगर आउटपुट देखना ना इस चीज का, तो आप क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, वापस ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं आया. ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी कोई भी चीज प्रेजेंट या आउटपुट पे आपको नहीं दिखेगी. अच्छा, दिखेगी कैसे, अब मैं सपोज HTML में डायरेक्टली कुछ लिख देता हूं. ठीक, अब हेलो आगे, लेकिन मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम हर चीज, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई भी इमेज लिखना चाहें या डिस्प्ले करना चाहें, कोई भी वीडियो लगाना चाहें, तो हम हर चीज को कोशिश करेंगे टैग्स में लिखेंगे. विदाउट टैग्स हम कुछ भी, हर चीज के लिए कोई अप्रोप्रिएट टैग पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है और उसे यूज करना है. तो इफ आई एम राइटिंग अ सिंपल टेक्स्ट, आई एम नॉट सपोज टू यूज आर राइट दिस टेक्स्ट डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी. तो टेक्स्ट किस तरह का हो सकता है, नॉर्मली अगर आप किसी भी वेबसाइट पे देखें ना, तो लेट मी ओपन अप द सेम वेबसाइट दैट आई इन फैक्ट शोड यू बिफोर इन द बिगिनिंग. देखें आप, कुछ टेक्स्ट जो है वो जरा ज्यादा हाईलाइट हो गया, बड़ा सा लिखा नजर आता है, लाइक हेडिंग कह लें उसको. कुछ टेक्स्ट है वो जो नॉर्मल फॉन्ट की तरह का है, फिर आगे बटन के ऊपर देखें, फिर एक जरा टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, फिर ये देखें, ये एक सॉर्ट ऑफ हेडिंग नजर आ रही है आपको. यहाँ पे ये सिंपल पैराग्राफ की सूरत में टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये ऊपर एडमिशन फॉर्म, ये फिर आपको क्या नजर आ रही है, एक हेडिंग नजर आ रही है, फिर यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रहा है, यहाँ कहीं वीडियो भी नजर आ रही होगी मे बी. इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या तो टेक्स्चुअल फॉर्म में मिलेगी, या टेक्स्ट जरा बोल्ड या बड़ा होकर मिलेगा हेडिंग की फॉर्म में, उसको हम हेडिंग बोलेंगे, हेडिंग की फॉर्म में मिलेगी, या आपको कोई लिस्ट मिल रही होगी, आई मीन कोई ये जिस तरह एक लिस्ट आ रही है. तो इसका मतलब है जिस तरह से टेक्स्ट, इमेज या वीडियोज को अपीयर होना है,
उस तरह के टैग्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइट इफ आई वांट टू राइट अ सिंपल टेक्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं यहां पे सिंपल पी लिखूंगा. तो ये पी क्या है बेसिकली पैराग्राफ टैग. तो जब मुझे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तो मैं क्या करूंगा सिंपली पैराग्राफ टैग यूज करूंगा डायरेक्टली टेक्स्ट को नहीं लिखूंगा. एंड नाउ गो बैक रिफ्रेश इट. हेलो स्टिल इज देयर. आपको लगा होगा यार ये तो पहले भी वैसे ही नजर आ रहा था अभी ऐसे नजर आ रहा है तो नजर बेशक कैसे आए लेकिन आपने क्या करना है टैग्स में लिखना है. विदाउट टैग्स यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. ठीक क्लियर होगी बात. अब अगर मैं सिंपली अच्छा मुझे आप ये बताएं पैराग्राफ और बॉडी का क्या ताल्लुक है. बॉडी पेरेंट है और पैराग्राफ चाइल्ड है. चिल्ड्रन नहीं है. चिल्ड्रन ज्यादा होते ना मुझे. अगर मैं दो पैराग्राफ डाल दूं तो अब बेसिकली दो पैराग्राफ हैं. ये दोनों क्या हैं किसके चिल्ड्रन है बॉडी के और दोनों पैराग्राफ का आपस में क्या ताल्लुक है सिबलिंग है. तो पैराग्राफ के अब अगली बात पैराग्राफ के एंसेस्टर्स कौन कौन से या एंसेस्टर्स में क्या आता है पैराग्राफ के बॉडी और समझ आ गई बात. इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ के अंदर को टैग लिखूंगा तो वो किसका चाइल्ड बन जाएगा पैराग्राफ का चाइल्ड बन जाएगा और वो बॉडी के डिसेंडेंट्स में आते जाएंगे. क्लियर. तो एक टैग के अंदर दूसरा दूसरे के अंदर तीसरा तीसरे के अंदर चौथा तो ये पूरा का पूरा एक ट्री बन जाता है जिसे हम शजरा कहते हैं शजरा नस. सो हम बेसिकली ये पेरेंट चाइल्ड की हायरार्की को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे. एनीवेज अब मुझे ये सिंपल हेलो लिखा हुआ नहीं आना चाहिए. मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जरा बोल्ड आए थोड़ी सी हेडिंग की शक्ल आए. तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मली मैं करता हूँ एच एच फॉर हेडिंग. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टेस्ट. इंटरेस्टिंग पार्ट इज नथिंग हैपेंड. यानी ये बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है जैसे कि हमारा हेलो और वर्ल्ड शो हो रहा है. तो याद रखिए कि अगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जो हेडिंग है बाज जगह जरा बड़ी हेडिंग होती है बाज जगह जरा उससे छोटी होती है बाज जगह उससे भी छोटी होती है. तो हेडिंग सिर्फ काम नहीं करेगी बल्कि क्या काम करेगा एच वन. एच वन का मतलब बड़ी हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग क्योंकि यहाँ डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स या लेवल वन हेडिंग कह लें उसको. ठीक है इफ आई नाउ रिफ्रेश इट अब उसने ऑटोमेटिकली स्टाइल इसका मतलब एच फॉर हेडिंग होता है लेकिन आपको हेडिंग का कोई लेवल भी साथ देना होता है लेवल वन हेडिंग लेवल टू. यानी नॉर्मली क्या होता है कि जो मेन हेडिंग होती है उसे हम क्या रखते हैं एल वन. जो उसकी सब हेडिंग होती है उसे हम क्या रखते हैं एल टू. जो उसकी सब हेडिंग होती है उसमें क्या रखते हैं यू लेवल बाय लेवल. सो एल वन से लेके सॉरी एच वन से लेके एच सिक्स तक हेडिंग्स अवेलेबल है. सो यू कैन इनफैक्ट हैव दिस एच वन एंड देन दिस देन टू. लेट्स इसको आप कह लें जी थ्री. इसको आप कह लें फोर. इसको आप कह लें फाइव. तो आप देखिएगा इनमें फर्क सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी. और अगर मैं एच सिक्स भी करूं एच सेवन एट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सिक्स तक ही अवेलेबल होती हैं. और मोस्ट प्रोबेबली यूज हम एच वन से एच थ्री तक ही करते हैं इससे ऊपर कम ही जाते हैं. हरल वी डू दैट. ठीक. सो अब पैराग्राफ और हेडिंग्स का आपस में क्या ताल्लुक है. इनका पेरेंट कौन है और इनका एंसेस्टर कौन है एच टी एम. ठीक. अब मुझे पूछेंगे जी हेडर में कुछ नहीं आता ये बेचारा यतीम पड़ा हुआ है. वैसे ही डेफिनेटली आता है. टाइटल के अलावा भी बहुत कुछ आता है. मेटा टैग्स आते हैं लिंकिंग करनी हो स्टाइल्स की स्क्रिप्टिंग की बहुत कुछ आता है. आई एम इंटेंशनली लीविंग इट ब्लैंक फॉर द टाइम बीइंग. ये बात समझ आ गई आपको. अब इससे आगे चले. अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई चीज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट नजर आ रही हो जैसे आपको यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे ये देखें टॉप पे लिस्ट की फॉर्म में नजर आ रही होगी. ठीक. तो हम यहाँ पे HTML के टैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिन टैग्स को इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं लिस्ट बना सकते हैं. लिस्ट इज लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे घर में आपसे घर वालों ने सौदा सलफ मंगवाना हो तो आपको एक लिस्ट पर्ची बना के दे देते हैं. अब उसकी दो दो तरीके होते हैं लिस्ट के या दो तरह की लिस्ट बनाई जा सकती है. कोई बता सकते हैं क्या होती है. हाँ गुड. ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब पहले थोड़ा बहुत आप जानते हैं
मुझे थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जो नंबरिंग के साथ हो, 1 2 3 4 5। और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? जो बुलेट्स के साथ हो, ठीक है। सो अगर नॉर्मली HTML ना बहुत ज्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली है, इसके नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्यारे प्यारे, खूबसूरत खूबसूरत, जल्दी याद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टैग क्या होना चाहिए, OL, और ये पेयर्ड होना चाहिए। अच्छा, इस विजुअल स्टूडियो कोड की ब्यूटी ये है कि आप एक टैग क्लोज करेंगे तो वो क्लोजिंग टैग खुद ही बना देगा। ये नोटपैड में करेंगे, किसी और में करेंगे, ऐसा नहीं होगा, विजुअल स्टूडियो में कोड में खुद ही हो जाएगा। आप ये तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है कि खुद ओपनिंग टैग भी लिखें, क्लोजिंग टैग भी लिखें। सो ये OL का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये लिस्ट तो बन जाएगी, लेकिन ये खाली लिस्ट बनेगी। इसका मतलब ये है कि आपने वो सौदा सल्फ नोट करने के लिए पर्ची तो फाड़ ली, लेकिन उस पर्ची के ऊपर लिखा कुछ भी नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग आउट ऑफ दिस लिस्ट, नथिंग। लिस्ट के ऊपर क्या होता है? लिस्ट आइटम लिख दो ना, प्याज 5 किलो, आलू 3 किलो, तो वो क्या लिस्ट के आइटम्स है। एट द एंड ऑफ द डे आपसे पूछता है जी कितने आइटम्स हो गए, तो आप उन्हीं को काउंट करके बताते हो। तो मुझे लिस्ट आइटम्स के लिए क्या करना है? LI, यानी कितनी मीनिंगफुल है देख लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे। लिस्ट के लिए OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट आइटम्स के लिए LI। तो टैग्स बेसिकली बिल्कुल क्लोज टू द रियल वर्ल्ड, जो अंडरस्टैंडेबल है। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेसरीज को लिस्ट बनाते हैं, तो मैं लिखता हूँ जी कीबोर्ड, और दैट्स प्रीटी मच लाइक, और 1 साथ में वैसे ही आ गया खामखा में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और अब मुझे अगर इसे दोबारा करना है, तो यहाँ पे मैं माउस बना सकता हूँ, एंड मुझे इसको CPU बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ मैं, मॉनिटर बना सकता हूँ, और कुछ बना सकता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गई, ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अब अगर मैं O को हटा के U लगा दूं, U फॉर अनऑर्डर्ड, LI फॉर L फॉर लिस्ट, क्लियर। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया आपको। LI का ताल्लुक क्या है बॉडी के साथ, डिसेंडेंट। UL और LI का क्या ताल्लुक है, LI पेरेंट है और UL चाइल्ड है। हाँ, शुक्र है जाग रहे हो, वाइस वर्सा, ठीक है, आई मीन उलट है, UL पेरेंट है और LI, अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं कहता हूँ जी ये है, तो कहते हैं हाँ जी यही है, तो इसलिए जरा जाग। एनीवे, अब हम बेसिकली अभी HTML पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, टैग्स, जो डिफरेंट टैग्स अवेलेबल हैं, ताकि हमें एटलीस्ट जब फ्रीक्वेंटली HTML डेवलपमेंट स्टार्ट करें, तो हमें टैग्स के बारे में ना पढ़ना पड़ेगा, ये टैग इस पर्पस के लिए, ये टैग इस पर्पस के लिए, टैग इस पर्पस के लिए, आपको पहले से पता हो। अब अगर मुझे किसी चीज को क्लिक करना है या क्लिकेबल बनाना है, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर मैं इस पे, ये क्लिकेबल नहीं है, देखें कर्सर की शेप बता देती है, अगर ये एरो है तो ये क्लिकेबल, ये देखें ये क्लिकेबल नजर आ रहे हैं, इन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे किसी भी टेक्स्ट को, अच्छा क्लिकेबल इमेज को भी बनाया जा सकता है, टेक्स्ट को भी बनाया जा सकता है, किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाया जा सकता है, मैं सिर्फ टेक्स्ट की बात करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास एक टैग है जिसे मैं कहता हूँ एंकर, ये टैग है, ऐसे एंकर पता क्या होता है, हाँ एक तो एंकर वो होता है, वो एंकर नहीं, कोई और एंकर भी होता है वैसे, हाँ क्या क्या, शिप को, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, शिप को या आई मीन किश्ती को या जहाज को, बैरी जहाज को लंगर डालने के लिए एंकर यूज होता है। तो बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि वो किसी चीज के साथ क्या कर लेता है, ग्रिप कर लेता है, उसे कनेक्ट कर लेता है या जोड़ देता है उसको, ठीक है। हर एनीवेज, ये तो वैसे ही इनफॉर्मल सी बात थी। तो ये एंकर टैग का पर्पस भी क्या है, कि ये एंकर टैग किसी और पेज के साथ खुद को क्या कर लेगा, लिंक कर लेगा,
ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ ना, आई मीन टेस्ट लिंक, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, यकीन माने कुछ नहीं करेगा, ना ये क्लिकेबल है ना कुछ है। तो मैंने कहा था एंकर टैग किस लिए होता है, क्लिकेबल होता है। लेकिन हाँ, एचरेफ क्या है, टैग है, मैंने इसीलिए पहले आपको समझाया, वो समझाया नहीं है। अब जरा एक नई चीज आने लगी है, अभी तक हमने जितने टैग्स भी पढ़े हैं उनके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, जैसे थे वैसे ही पढ़ लिए। अब हम इसके साथ एक छेड़खानी करने लगे, भाई मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, ये क्लिकेबल बन ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि मुझे इस टैग में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि एंकर टैग क्या करता है, किसी दूसरी चीज को, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को, किसी दूसरे पेज को, किसी दूसरी वेबसाइट को, किसी दूसरे इमेज को, किसी दूसरी फाइल को आपस इसके अपने साथ क्या कर देता है, लिंक कर देता है। वो इंफॉर्मेशन तो मैंने दी नहीं, ये कैसे लिंक करेगा। तो अक्सर आपको एक टैग के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, और वो कहाँ देंगे आप, ओपनिंग टैग में स्पेस देके आप कुछ लिखेंगे। अब ये कुछ क्या है, एंकर टैग के केस में है एचरेफ। एचरेफ का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, जैसे वो अक्सर वर्ड वगैरह में हाइपर लिंक भी लगाते होते हैं। एनीवेज, ये क्या है एचरेफ, जब भी किसी टैग में, ओपनिंग टैग में टैग के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये इस टैग का एट्रीब्यूट है, ये इस टैग का। तो एचरेफ क्या है, तो पहले आपको सिर्फ टैग पता था क्या है, अब टैग के साथ नया लांजा आ गया है, और वो क्या है कि टैग को अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप किसके जरिए दे सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और कुछ टैग्स ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट्स के बगैर काम ही नहीं करते, जैसे अभी मैंने सिर्फ एचरेफ दिया ना, बीच में खाली छोड़ा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, तो आपने देखा है इसने कुछ चीज अंडरलाइन कर दिया, और जब मैं इस पे हॉवर करता हूं तो ये इसने लिंक भी बना दिया उसको। जब क्लिक करूंगा तो कहीं भी नहीं जाएगा, बिकॉज आगे मैंने डबल कोट्स को खाली छोड़ा है, बट इट हैज बिकम अ लिंक, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। एंड हाउ डिड इट बिकम अ लिंक, बाय सिंपली इंट्रोड्यूसिंग द एचरेफ। एंड व्हाट इज एचरेफ, जी मैं तो चार दफा बताऊंगा, पर तुसी की सुनते पे हो या सोते पे हो, एच रेफ क्या है, एट्रीब्यूट है किसका, एंकर टैग का। तो क्या एच रेफ किसी और टैग के साथ भी काम करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज हर एट्रीब्यूट किसी स्पेसिफिक टैग के लिए डिफाइंड है। क्लियर हो गई बात। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो कुछ ओपन हो, तो मैं चाहता हूं जी कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के लिंक को कॉपी किया और यहां आके अपने एचरेफ के अंदर पेस्ट कर दिया। मेक सेंस। नाउ इफ आई गो बैक, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और रिफ्रेश करता हूं और इसको क्लिक करता हूं, वाओ मैजिक, गॉट इट। अच्छा, अब मसला ये है कि उसने मेरी वेबसाइट को रिप्लेस करके फेडरल बोर्ड के ओपन कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है ये अलग टैब में खुले, क्या करें, अलग टैब में खुले। तो मैं चाहता हूं कि, मैंने अभी बोला है कि जब भी मुझे टैग को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो कैसे देनी है, एट्रीब्यूट के जरिए। तो इसका मतलब कोई ना कोई और एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, तो मेरा, मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसे मैं बोलता हूँ टारगेट। टारगेट की पॉसिबल वैल्यूज ये हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ ब्लैंक को यूज करूंगा। अब मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिखा और फिर इसे ओपन किया, तो मेरी ये वेबसाइट एज इट इज इधर ही ओपन है, उसने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को अलग से ओपन कर दिया। ठीक होगी बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम टैग्स लिखते हैं फॉर एक्चुअली हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट, टेक्सचुअल इनपुट, इमेज इन टेक्सचुअल आउटपुट, इमेज आउटपुट, वीडियो आउटपुट वगैरह वगैरह सब कुछ लिस्ट फॉर्म में। और व्हेन वी वांट टू अप्लाई और गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द टैग, वी गिव इट लाइक इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, और देयर मे बी मोर देन वन एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ सिंगल टैग। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स एक ही टैग के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं ये सारा काम इधर करने के बजाय इधर कर दूं, मेरा क्या बन जाएगा,
लिस्ट के अंदर टैग यानी लिस्ट का आइटम भी क्लिकेबल बन जाएगा। तो अब ए का ताल्लुक बॉडी से क्या है, ए किसका डायरेक्ट चाइल्ड है, लिस्ट का नहीं, एल आई का लिस्ट आइटम का, ठीक है। और एल आई यानी ए का ग्रैंडफादर कौन है, यूएल। और ए का सुपर ग्रैंडफादर कौन है, परदादा जिसे बोलते हैं, बॉडी। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट कि हम बेसिकली उसी ट्री हायरार्की को लाजमी फॉलो करेंगे, बिकॉज आप नेक्स्ट फ्यूचर में जब इनफैक्ट इसी कोर्स में आगे चल के जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहां मैं बार बार दोबारा इसी ट्री पे आऊंगा, पेरेंट पे आऊंगा, चाइल्ड पे आऊंगा, चिल्ड्रन पे आऊंगा, एंसेस्टर पे आऊंगा, नोड पे आऊंगा, अभी बताता हूँ नोड वगैरह क्या, सारी टेक्स्ट नोड पे आऊंगा, एलिमेंट नोड पे आऊंगा, एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं टर्म्स पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत आसानी होगी अगर आपके नाम याद रखे। वैसे भी आपका नाम क्या है, हाँ, तो अगर कोई बंद दोस्त आपको फ्री होके गए अरसलाने तो वो अच्छा लगेगा या अरसलान अच्छा लगेगा, तो हर चीज को अपने नाम से बुलाना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। सो यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम जरा चलते हैं, हमने कोई इमेज ऐड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज लाइक इफ आई ओपन अप द फेडरल बोर्ड वेबसाइट अगेन, सो ये इमेज आपको नजर आ रहा है, दिखता हुआ लिखा हुआ, आई मीन प्लेस हुआ हुआ, तो आप इमेज की प्लेसमेंट कहीं से कर सकते हैं। हमें अभी प्लेसमेंट और डेकोरेशन पे अभी तक बिल्कुल बात नहीं की, वो भी करेंगे, लेकिन हम सिर्फ पहले क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को पेज में ऐड करना सीख रहे हैं। सो व्हाट इफ आई वांट टू ऐड एन इमेज टू द एचटीएमएल पेज, तो उसके लिए एक टैग है हमारे पास IMG। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई, मैंने कहा जी टैग्स आर जनरली पेयर्ड, साथ में एक और लफ्ज़ बोला जनरली नॉट नेसेसरीली, आमतौर पर टैग्स पेयर्ड होते हैं, लाजमी नहीं है कि पेयर्ड ही होंगे, ये लाइनें याद है ना, टैग्स आर जनरली पेयर्ड बट नॉट नेसेसरीली। तो अब जरा उसकी बात करता हूं, अब जो टैग पढ़ूंगा मैं IMG, अगर आपको इमेज लगाना है तो इमेज के लिए आपको कौन सा टैग देना होगा, IMG। इंटरेस्टिंग पार्ट इज बाकी जब मैं टैग्स लिखता था तो वो खुद को खुद ही कंप्लीट कर लेते थे, क्लोजिंग टैग खुद लगा देते थे, इमेज ने ये काम नहीं किया, तो इसका मतलब है इमेज अनपेयर्ड टैग है। इमेज क्या है, तो ये जो जो आप यूज करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता लगता जाएगा कौन सा अनपेयर्ड है कौन सा पेयर्ड। जितने भी अनपेयर्ड टैग्स होते हैं उनको क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन वो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, यानी टैग का नेम जहां खत्म होता है वहां पे स्लैश लग जाता है। ये क्या है, बेसिकली इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, अनपेयर्ड सेल्फ क्लोजिंग, ठीक। अब इमेज मैंने लगा दिया, शो हो जाएगा, क्यों क्या ये नहीं बताया कि कौन सा इमेज, यू आर राइट, यानी मैंने सिर्फ इमेज का टैग स्पेसिफाई कर दिया, ये नहीं बताया कि कौन सा इमेज, तो कैसे बताऊंगा कौन सा इमेज, एट्रीब्यूट से। मैंने जब ये कहा कि जब किसी टैग में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इमेज का जो मैंडेटरी नेसेसरी एट्रीब्यूट है जिसके बगैर काम नहीं करता, ये क्या है, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, का मतलब जहां से आना है, ठीक है, इमेज ने कहां से आना है, यहां पे मैं दूंगा इमेज का पाथ, मेरा इमेज तो कहीं से भी उसको उठा सकता हूँ, मेरे डेस्कटॉप में हो सकता है, सी ड्राइव में हो सकता है, ई ड्राइव में हो सकता है, इंटरनेट पे इवन हो सकता है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, फॉर एग्जांपल इमेजेस पे जाते हैं और हम यहाँ से ये इमेज उठाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस या कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, इसको आप कॉपी करें, इसको आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ठीक। एक चीज याद रखें कि एंड पे इमेज होगा तो उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी, या .jpg होगी या .png होगी, इसके एंड पे कोई एक्सटेंशन, इसका मतलब ये लिंक काम नहीं करेगा, ये पता है ना, इमेज की एक्सटेंशन .jpg होती है या .png होती है, सो ये लिंक काम नहीं करेगा। सो लेट्स ट्राई अनदर वन, मैंने इमेज एड्रेस कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स सी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लंबा चौड़ा कुछ दे दिया, ये भी काम नहीं करेगा,
लेट्स सी, मुझे कैसे पता लग रहा है, मैं सिर्फ क्या चेक कर रहा हूँ एंड पे, एक्सटेंशन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इमेज होगा तो उसकी एक्सटेंशन भी इमेज जैसी होगी। इस पे भी हम कॉपी लिंक एड्रेस और इधर ही पेस्ट करके चेक कर लेते हैं, इधर ही खाली में, इसके एंड में भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम बेहतर है कि क्या कर लें, डाउनलोड करके इमेज लगा लें, चेक ही करते रहेंगे। सो लेट्स कॉपी दिस इमेज, सेव इमेज एज, और यहाँ पे देख लें ये क्या है, जेपीजी, ठीक है। सो मैं इसे क्या कहता हूँ जी, एस सी एच डब्लू एल। अच्छा, इस इमेज को कहीं भी लगा के आप अटैच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वेबसाइट बनाते वक्त मैंने आपको कहा है कि आप सब कुछ एक ही फोल्डर में रखेंगे। तो मेरी जहाँ पे वेब का फोल्डर पड़ा हुआ है ई ड्राइव में, वेब डेव के नाम से, तो मैं इमेज भी उसी के अंदर रखूंगा स्कूल के नाम से, ठीक। अब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में देखूंगा तो ये साथ में एक इमेज आ गया। अब मैं यहाँ पे जाके डॉट दिस, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, करंट का मतलब मौजूदा, और मौजूदा का मतलब जिस फोल्डर में ये मेरी index.html की फाइल मौजूद है, ठीक। डॉट का मतलब ये, स्लैश का मतलब है इस फोल्डर के अंदर, डॉट का मतलब करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब है इसके, तो इसके अंदर दो चीजें पड़ी हैं, एक इंडेक्स और एक। अब मैं इंडेक्स के साथ, इंडेक्स को तो अटैच करने से रहा फायदा ही नहीं है, हम कहते हैं रिलेटिव पाथ। ये मैंने फाइल का पाथ दिया क्या, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ पता है क्या होता है, आप यहां से जाएं और ये सारा रास्ता, ये सारा पाथ कॉपी कर लें, ड्राइव में जाओ, वहां से वेब डेव का फोल्डर ढूंढो, वहां से स्कूल डॉट जेपीजी को लो, ठीक। तो मैं इसके बजाय क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये और ये कर रहा हूँ, दैट वुड ऑल्सो वर्क अगर करंट फोल्डर में होगा तो। अगर करंट फोल्डर में आपका इमेज नहीं होगा तो फिर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक। नाउ इफ आई, इफ आई कम बैक, ओपन अप द पेज, दैट्स इट। तो मेरे पास इमेज भी मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गया। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे, योर रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। ये रिकॉर्डिंग मैं नॉर्मली डेली एक यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, अगर आपको घर में काम करते हुए कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हो तो यू कैन रेफर बैक टू दिस रिकॉर्डिंग, अगर प्रॉब्लम ना हो तो फिर होना तो नहीं चाहिए वैसे इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के बाद, लेकिन एहतियातन हम हर रिकॉर्ड को, हर क्लास को रिकॉर्ड करते हैं ताकि कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे मे बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो जाए, और ऑनलाइन करनी ही है क्लास तो साथ रिकॉर्ड हो जाए तो कौन सा जोर लगता है, तो हमारा जोर थोड़ा ही लगता है, कंप्यूटर ने रिकॉर्ड करनी होती है। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, आपकी 2 घंटे की टाइमिंग में इसी तरह 1 घंटा क्लास होगी और अगले 1 घंटे में